स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। कैरियर जॉब एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंगाल पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। वैकेंसी जो है यहां पर आ चुका है, बहुत लंबी वैकेंसी है और इसमें जो पद रखे गए हैं वो भी काफ़ी बड़ा पद रखा गया है। 11,000 समथिंग कुछ है यहां पर पद, जो कि लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि एज जो रखा गया है इसमें वो 30 रखा गया है अन्य रिजर्व के लिए। बाकी SC ST से अगर आप आते हैं तो जो छूट है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। फीस की बात करें तो काफ़ी कम फीस है यहाँ पर। अप्लीकेशन जो आप फी देते हैं वो 170 से 160 रुपये के बीच है SC ST के लिए, और भी कम रखा गया है। तो ऑनलाइन आवेदन की करने की जो प्रक्रिया है वो चालू है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और अप्लाई कब तक होगा, कब से होगा, ठीक है, आपको कैसे इसमें जॉब प्राप्त करना है, नौकरी लेना है, रनिंग कितना होगा, दौड़ कितना होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर से बताएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रक्रिया ही बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है PRB.WB.GOV.IN का, यहाँ पर आ चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। पहला नोटिफिकेशन जो यहाँ पर निकल के आया है, वेस्ट बंगाल पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड आरक्ष भवन 5th floor 6th cross road ब्लॉक DJ सेक्टर सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता। यहाँ पर आपको बता दें अनरिजर्व के लिए जो मेल कैटेगरी का यहाँ पर सीट रखा गया है 840 है, वहीं अनरिजर्व इसी के लिए 1007 है। अनरिजर्व NVFI and HZ के लिए 672 है। वहीं पर आप देख सकते हैं सारे कैटेगरी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात करें तो जो यहाँ पर मेल के लिए है वो पदों की संख्या 8212 है। वहीं पर अगर हम बात करें फीमेल की संख्या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3537 है। कुल मिलाकर के यहाँ पर बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 11,749 की आई है, जो काफ़ी एक बड़ा यहाँ पर एक कह सकते हैं कि 11,000 अच्छा पद है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए, आगे की क्या हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको भरना तो फॉर्म बिल्कुल बनता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के आप सिटीजन हो, और 18 से आपका एज होना चाहिए, जो कि 13 तक यहाँ पर ये खास बात, इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप 18 से लेकर यहाँ पर 30 साल तक अगर आपका एज है तो आप भर सकते हैं 1/2024, ठीक है। अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाई 5 years इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी SC ST से आप आते हैं तो 5 साल का और भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑफ रिकॉर्ड इन माध्यमिक इक्विवेलेंट एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट विल बी ओनली एक्सेप्टेड एज वैलिड प्रूफ ऑन वेरिफिकेशन ऑफ एज, यानी कि बात करें यहाँ पर तो आपको जो सर्टिफिकेट में, यानी कि मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में जो भी यहाँ पर एज रखा गया है उसी के एज की एज का जो है यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एज उसमें आपका कुछ और है और ऐसे आपका कुछ और है तो वो मान्य नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मिनिमम फिजिकल जो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट्स रखा गया है वो यहाँ पर कैंडिडेट ऑफ एल कैटेगरी अदर देन गोरखा गुरवाली और राजबानी एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 167 हाइट रखा गया है। वहीं वेट की बात करें तो 57 किलो रखा गया है। चेस्ट की बात करें तो 78 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं अगर गोरखा गुरवाली राजवंशी एंड शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 160 यहाँ पर हाइट रखा गया है। वेट की बात करें तो यहाँ पर 53 किलो रखा गया है, और चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, यानी बिना फिलाए हुए, और फिला करके आपको 81 सेंटीमीटर रखना है। बाकी फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट एल बी एल कैटेगरी अदर्स देन गोरखा गुरवाली राजवंशी एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 160 है। वहीं पर वेट 49 है। इनके लिए जो चेस्ट है यानी ब्रेस्ट है वो नॉट एप्लीकेबल है, यानी कोई इसमें मेजरमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल यहाँ पर टेस्ट PET की, तो जेंडर के लिए यानी मेल जो है वो 1600 मीटर यानी 1600 मीटर का रन करेंगे, ठीक है, जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड्स में यानी 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का रन यहाँ पर कंप्लीट करना है। वही फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 800 मीटर्स रन, जो कि 4 मिनट में आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर आपको बता दें कि 800 मीटर्स रन करना है, जो कि 3 मिनट यहाँ पर 3 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब द EX सर्विसमैन अबव 35 ईयर्स ऑफ एज विल फुलफिल द फ्लोइंग, यानी आप EX सर्विसमैन की आपके भूतपूर्व को सैनिक वगैरह थे तो उसके लिए मेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर रखा गया है, और वहीं पर टाइमिंग की बात करें तो 3 मिनट 30 सेकंड यहाँ पर रखा गया है। फीमेल थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर 800 मीटर रन रखा गया है, और टाइम
की बात करें तो यहाँ पर 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं रूटीन ऑफ एग्जामिनेशन। मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 85 अप्लीकेबल प्रोविजनली कैंडिडेट्स एलिजिबल विल बी कॉल्ड द रूटीन एग्जामिनेशन विच विल ओ एम आर बेस्ड ऑन, यानी जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ओ एम आर बेस्ड होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका नॉलेज लिया जाएगा यहाँ पर, जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज के 25 मार्क्स रहेगा, इंग्लिश का जो है आपका 10 मार्क्स रहेगा, और यहाँ पर एलिमेंट्री और मैथमेटिक्स माध्यमिक स्टैंडर्ड्स के 25 मार्क्स रहेंगे, और रीजनिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस का आपको 25 मार्क्स रहेगा, यानी 50 50 25 50 और 75 10 95 नंबर यहाँ पर टोटल आपको बनकर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको इंटरव्यू मैक्सिमम आपका यहाँ पर 15 मार्क्स का होगा, जो कि आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल कैंडिडेट फिजिकल इफेक्टिव टीपीटी द क्वालिड एंड इंटरव्यू, यानी पीटी वगैरह सब निकाल लेते हैं तो जो लास्ट इंटरव्यू होगा उसमें 15 मार्क्स यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप दिखा गया है कि द एप्लीकेशन विल बी एस्ट्रॉइंग एडवाइज द जो एप्लीकेशन सबमिट एप्लीकेशन का थ्रू जो रिमेनिंग ऑपरेशन पीरियड है वो 7/3/2024 से है 5/4/2024 टिल रात के 12 बजे तक। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर सारे टू अप्लाई के लिए आपको बताया गया है कि अप्लाई के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, जो पेमेंट है वो किस प्रकार से कटेगा, क्रेडिट कार्ड से अगर आप काटते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना होगा, वैलेट से अगर काटते हैं तो 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, नेट बैंकिंग से काटते हैं तो पर ट्रांजेक्शन 5 रुपये आपको प्लस GST देना होगा, डेबिट कार्ड से और अगर आप करते हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह नहीं है, अगर UPI से आप पेमेंट कटवाते हैं तो कोई भी कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज रहेंगे वो यहाँ पर आपको बता दें कि JBZ फॉर्मेट कन्वर्टेड एंड एलिजिबल स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ फिल्म मस्ट बी विद इन 10 KB से 50 KB तक आपका फोटोग्राफ यहाँ पर होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए जो कि नॉट मोर देन 3 मंथ्स ऑल, यानी 3 मंथ्स के पहले का आपका फोटो नहीं होना चाहिए, फेसिंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग स्ट्रेंज इन टू द कैमरा, यानी कैमरे की तरफ सीधे फोकस होना चाहिए, आपका कान दोनों दिखना चाहिए, मस्ट बी ऑन व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट क्लियर कॉन्ट्रास्ट, यानी जो फोटो का बैकग्राउंड होगा वो आपका ब्लैक ब्लैक नहीं होगा कि कोई अदर कलर ब्लू वगैरह नहीं होगा, आपका फोटो जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा विदाउट एनीथिंग कवरिंग द फेस। ठीक है, मैंने फेस को कवर वगैरह नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि है कि टोपी लगा लिया या फिर निकाब लगा लिया, इस तरह से नहीं है, विदाउट ए हेड कवरिंग आपको फोटो देना है, और विथ योर आईज नॉट कवरेड बाय सनग्लासेस थिन ग्लासेस ग्लासेस या फार्म स्ट्रोक लुक हेयर वगैरह। ठीक है, तो ये चश्मा उसमें लगा कर भैया यहाँ पर फोटो ना खिंचवाएंगे, आपको फोटो एकदम क्लियर कट और साफ सुथरा होने चाहिए। ठीक है, बाकी आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिसमें जिसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट का फीस रखा गया है वो आप यहाँ पर मेंशन करा गया है, यहाँ पर 150 रुपये प्रोसेसिंग फी आपका 20 रुपये लगेगा, तो और 5 रुपये आपका यहाँ पर प्लस GST, तो 100 मान के चलिए कि 70 75 रुपया। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर जो SC ST कैटेगरी के आते हैं जो बंगाल के तहत हैं उनको 43 रुपये मात्र करना पड़ेगा, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फी जो उनका रहेगा वो 20 रुपये का लगेगा, और ठीक है, और जो GST वगैरह लगेगा वो 23 रुपये का यहाँ पर लगेगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, जो भी है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, आप इस नोटिफिकेशन को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब रह गई बात यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो प्रक्रिया है वो आपको हम बता दें कि यहाँ पर आपको ये जो होम पेज दिख रहा है इस पर आपको आना है, और उसके बाद देन अप्लाई ऑनलाइन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया पेज पर आपको लेकर जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चूंकि ये वीडियो 7 मिनट का हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसमें अप्लाई करना है, अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं तो वो भी 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर अगर व्यूज आते हैं तो मैं इस पर ये बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिव्यू नोटिस है, फुल फिल्म एप्लीकेशन ऑनलाइन, यहाँ पर डिटेल्स भेजा करके आपको यहाँ पर जो पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल लेडी कांस्टेबल के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल वेस्ट बंगाल जेंट्स के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर बटन दिया गया है, पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर साइनअप बटन पर क्लिक करके अपने आप को साइनअप करना होगा, जिसमें आपका नेम ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका यूजर नेम बनाएंगे, पासवर्ड डालेंगे, यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर रहेगा, पासवर्ड को कन्फर्म करके साइनअप बटन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद लॉग इन प्रक्रिया करेंगे, उसके बाद कुछ पर्सनल डिटेल्स है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, देन उसके बाद आपको पेमेंट करने हैं। सो आई होप आशा है उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक प्रेस करिए, वीडियो में ऐसे ही एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुद का अपने पर ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।